Hello, I am Jyotika, private online psychology tutor. Welcome to excellingpsychology.com. आज हम हमारी HSC psychology class का second part देखेंगे. Last time हमने sections 1.1 and 1.2 देखे थे पिछले video में. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं इसका link description box में डाल रही हूँ. पहले आप उस video को देखें और फिर इस video के साथ शुरुआत करें. तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस. ये है सेक्शन 1.3. चलिए देखते हैं इस सेक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है. इतना हम याद कर ले पिछले क्लास से कि साइकोलॉजी एक साइंस है. वो साइंस क्यों है ये हम पिछले क्लास में देख चुके थे, लेकिन इस सेक्शन में हमें पता चलता है कि आज साइकोलॉजी साइंस है. शुरू से वो साइंस नहीं था. उसका एक इतिहास है जिससे हमें पता चलता है कि पहले वो साइंस नहीं था और आज बन चुका है. तो क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से साइकोलॉजी अडॉप्टेड द मेथड ऑफ साइंस इन द 1870s, वो सब हम देखेंगे इस सेक्शन में. तो पहले ही अगर हम इस सेक्शन को देखें तो पॉइंट वाइज एक तो हमें घटनाक्रम दिया गया है, टाइमलाइन दी गई है ऑफ साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ एज अ साइंस. तो इस घटनाक्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि अप टू 1870s साइकोलॉजी फिलोसफी का हिस्सा था. ये बहुत ब्रीफ में बताया गया है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एज अ साइंस. फिलोसफी में उसकी स्टडी कैसे हुई ये इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. तो जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, लास्ट टाइम हमने देखा कि साइंस इज अ मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज. दूसरा मेथड है फिलोसफी. फिलोसफी में जो हमारे फिलोसफर्स थे, एक्सपर्ट्स थे अपने उनकी विचारधाराओं में, तो वो अक्सर मन के बारे में चिंतन करते थे कि इंसान का मन कैसा होता है, उसकी आत्मा सोल कैसे होती है. आप जानते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड का ओरिजिन साइके में है जिसका मतलब है सोल. तो ये फिलोसोफर्स बहुत बार सोल के बारे में बात करते थे. इंसानों के अलग अलग व्यवहारों के बारे में बात करते थे कि इंसान क्या क्यों कब करता है, दूसरों के साथ कैसे रिलेट करता है. ऐसे बहुत से टॉपिक्स पे उन्होंने अपने गहन चिंतन करके बहुत ज्यादा अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए थे. लेकिन वही बात आ गई थी कि उनका जो भी नॉलेज था वो साइंस पर आधारित नहीं था. वो उनकी उन्हें जो ठीक लगता था वो बताते थे इन सब मैटर्स में जो साइकोलॉजी के अंडर आते हैं. तो ऐसा चलता रहा 1870s तक. तब तक साइकोलॉजी की कोई ऑफिशियल स्टडी नहीं हो रही थी. वो फिलोसफी का ब्रांच था. जिन फिलोसफर्स को ठीक लगता था, इंटरेस्ट आता था मन से रिलेटेड किसी भी बात में, वो उसके बारे में प्रस्ताव हमारे सामने रख देते थे. लेकिन ये सिचुएशन चेंज हुई 1879 में. तो 1870s तक फिलोसफी का हिस्सा रहा. 1879 में आए विलहेम वुंड. ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिक है जर्मनी में, वहाँ के प्रोफेसर थे और इन्होंने निर्णय लिया कि ये साइकोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे. उस समय वो दौर ऐसा था कि साइंस पर बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा था, सबको बहुत विश्वास होने लगा था साइंस पर और सबको लग रहा था कि चाहे वो कोई भी ह्यूमन एस्पेक्ट हो हमें साइंटिफिकली उसकी स्टडी करनी चाहिए. तो ऐसे समय में विलहेम वुंड को भी लगा कि साइकोलॉजी में अगर हमें ठीक से ज्ञान अर्जित करना है, एक्यूरेट ज्ञान अगर हमें चाहिए तो हमें साइंटिफिकली स्टडी करना होगा. तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही यूनिवर्सिटी में एक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश कर दी. जैसे हमारी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है, बायोलॉजी की होती है, वैसे ही उन्होंने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश कर दी. अब आप अगर अपने केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की लेबोरेटरी को याद करें तो आप क्या करते थे उन लेबोरेटरीज में, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जैसे अगर केमिस्ट्री है तो आप केमिकल्स को लेते थे बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, यानी इस केमिकल की इतनी मात्रा, उस केमिकल की इतनी मात्रा, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा लेते हुए आप मिक्स करते थे, देखते थे क्या नतीजे आते हैं. तो बहुत ही एक जो रूम होता है जहाँ पे बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हम कोई स्टडी करते हैं, उसे हम लेबोरेटरी कहते हैं. अब साइकोलॉजी की लेबोरेटरी में क्या होता होगा, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से
मन की मानसिक प्रक्रियाओं की स्टडी होती होगी और वही किया विल्हेम वुंड ने। तो उनके इस मूव के साथ उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया कि मैं लेबोरेटरी शुरू करूंगा, साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिल गया इन 1879। और लेबोरेटरी में जो कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब भी हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में कुछ पढ़ते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, विल्हेम वुंड के यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिल गया। तो ये सब हुआ 1879 पे। और विल्हेम वुंड ने जो इनिशिएटिव लिया कि साइंटिफिकली साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, उससे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उस समय के जिन्हें इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, मतलब माइंड में और बिहेवियर में, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिला कि हम भी इसी तरीके से साइंटिफिकली माइंड की स्टडी करेंगे। तो विल्हेम वुंड के लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने के बाद हम देखेंगे कि कई सारे साइंटिस्ट ने उन्हें फॉलो किया और अपने अपने तरीके से कोशिश की कि माइंड को और भी अच्छी तरीके से साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। यानी कि एक के बाद एक एक्सपर्ट्स आते गए, जो भी पिछले मेथड्स थे माइंड की स्टडी करने के, उन्हें जो भी कमियां लगी उसमें उन्होंने उससे सुधारने की कोशिश की। तो आगे के घटनाक्रम में हम यही देखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। विल्हेम वुंड ने जब लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की उस लैंडमार्क इवेंट के बाद, अगली इवेंट जो हमें जाननी है वो है इमर्जेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। किसी भी चीज का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है, हाउ इज इट कंपोज्ड, वो किन चीजों से बना है। तो अगर हम इंसान का मन देखें तो वो किन चीजों से बना है, विचारों से, भावनाओं से, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर माइंड की स्टडी कर रहे थे वो उसके कॉम्पोजिशन को जानना चाहते थे, वो उसके विचारों को, फीलिंग्स को समझना चाहते थे। तो वो एक मेथड का इस्तेमाल करते थे लेबोरेटरी में, क्योंकि अब साइकोलॉजी साइंस था। तो वो क्या करते थे, लोगों को लेबोरेटरी में बुलाते थे और उन्हें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देते थे, कोई भी एक वस्तु देते थे, और उनके हाथ में रखते हुए उनसे पूछते थे कि आंखें बंद करो। ये मैं आपको बेसिक टेक्निक बता रही हूँ। वो उन लोगों के हाथ में कुछ रखते, उनसे कहते आंखें बंद करो और बताओ तुम्हारे माइंड में कौन सी भावनाएं आती है, कौन से विचार आते हैं जब तुम इस चीज को अपने हाथ में महसूस करते हो। तो वो ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। इस टेक्निक को कहा जाता था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कोई भी वस्तु को लेकर उसकी जो अंतर मन में हमारी भावनाएं विचार आते हैं उन पर चिंतन करना, उसे कहते थे इंट्रोस्पेक्शन। तो ये मेथड यूज करते थे वुंड, जिन्होंने लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी, और उनके एक स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर। ये दोनों इस मेथड से माइंड के स्ट्रक्चर को समझना चाहते थे। उनके अनुसार अगर हमें ह्यूमन माइंड को पढ़ना था तो यही सही तरीका था उसका स्ट्रक्चर पता करना, इंट्रोस्पेक्शन की मेथड के द्वारा। लेकिन उनके बाद आए कुछ और एक्सपर्ट्स, उन्हें लगा कि ना सिर्फ हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है लेकिन हमें कुछ और भी स्टडी करना है ह्यूमन माइंड के बारे में। उन्होंने कहा हमें ह्यूमन माइंड के फंक्शंस को स्टडी करना है। देखिए, आप जब फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड्स है, सब्सटेंसेस है, आप उसके स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं कि वो कौन से एटम्स मॉलिक्यूल्स से बना है। लेकिन एक और तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं कि उसका उपयोग कहाँ होता है, व्हाट इज इट्स पर्पस। तो कोई भी कंपाउंड है हम उसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसी तरह माइंड को भी हम उसके स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं, वो कैसे बना है। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि उसमें जो भी प्रक्रियाएं होती है उनका पर्पस क्या है, वो किस लिए है। तो थॉट्स एंड फीलिंग्स तो है, सपोजिंग मैं स्ट्रक्चर के थ्रू पता कर लेती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, ये फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स है, लेकिन इनका पर्पस क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों होती है हमारे माइंड में, हमारे लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी स्टडी हमें करनी चाहिए, ऐसा लगा विलियम जेम्स को। इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। इन्होंने बहुत जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की है और शुरुआत की अमेरिकन साइकोलॉजी की। तो उन्हें स्ट्रक्चरलिज्म से थोड़े लगा कि अलग तरीके से हमें माइंड की स्टडी करनी चाहिए। तो आज उनके भी जो उन्होंने स्टडीज की है उनको हम सम्मान देते हैं और उन्हें याद करते हैं।
इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म ऐसे मेथड्स हैं जो आज हम आसानी से नहीं सुनते साइकोलॉजी में, ये आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा माइंड को समझने में और आगे साइकोलॉजिस्ट को इंस्पायर करने में कि उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें आइडियाज मिले कि उन्हें माइंड को किस किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे फंक्शनलिज्म पे एक और वर्ड आप देखेंगे, कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स को ऐसा लगा कि हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी करना चाहिए, जिससे मैंने कहा पर्पस ऑफ द माइंड। तो हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस। तो हम कैसे अवेयर रहते हैं, जब हम अवेयर होती है हमारी मानसिक प्रक्रियाएं क्या कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमें कॉन्शियस रखने में, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना को कैसे एक्सपैंड करती है, ये सब हमें स्टडी करना चाहिए, ऐसा मानना था जेम्स का। एक और बात ध्यान में रखें, आगे जो अब हम स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे या मन को पढ़ने के जो तरीके थे उन्हें देखेंगे, ये आज के डेट में भी पाए जाते हैं। इसलिए हम ये जान लें कि ऐसा नहीं है कि एक स्कूल आया तो जो पिछला स्कूल था वो अबॉलिश हो गया, सबने उसको पढ़ना, उसका यूज करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। ये सारे आज को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में पाए जाते हैं साइकोलॉजी में। तो ये अलग अलग तरीके हैं माइंड को स्टडी करने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी एक नहीं माना गया है कि ये सही तरीका है, माइंड में हमें यही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यही हमें पढ़ना चाहिए माइंड में। आज तक ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है। ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट के माइंड को ऐसे ऐसी बातों की माइंड की स्टडी करनी चाहिए या माइंड की वैसे बातों की स्टडी करनी चाहिए, ये सारे आज तक साइकोलॉजी में मौजूद है फ्रॉम साइको एनालिसिस ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखिए साइको एनालिसिस। पिछला हमने क्या देखा, फंक्शनलिज्म, जिसमें कहा गया माइंड की चेतना को, अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस की स्टडी हमें करनी चाहिए। तो जो माइंड की कॉन्शियस क्रियाएं है वो क्यों होती है, क्या कंट्रीब्यूट करती है, वो हमें स्टडी करना चाहिए, ये कहा जेम्स ने। अब फ्रॉइड को लगा कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड की स्टडी करना काफी नहीं है, इसके अलावा हमें अनकॉन्शियस माइंड की भी स्टडी करनी चाहिए। फ्रॉइड, जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं साइकोलॉजी में, उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम कॉन्शियस माइंड को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि माइंड में सिर्फ कॉन्शियसनेस है और कुछ है ही नहीं, यानी कि जो भी विचार है, भावनाएं हैं, उनकी मुझे अवेयरनेस है। लेकिन फ्रॉइड के अनुसार ऐसी बहुत सी विचार और भावनाएं हैं जिनकी हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, वो है हमारे माइंड में लेकिन हम जानते नहीं। जब कोई हमें उनके बारे में पूछता है हम बता नहीं पाते अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। तो ऐसी प्रक्रियाओं की जो हमारे अवचेतन मन में है उनकी स्टडी करना भी जरूरी है। तो इस अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार उन्होंने प्रपोज किया एक स्कूल ऑफ थॉट जिसे कहा गया साइको एनालिसिस। ये आया अर्ली 1890s में, तो 1879 में लेबोरेटरी बन चुकी थी साइकोलॉजी की, और विद इन 1-2 decades ये स्कूल ऑफ थॉट आ गया जिसका नाम है साइको एनालिसिस। फिर इसके बाद आया बिहेवियरिज्म, 1900s में ही आ गया। तो आप देख सकते जल्दी जल्दी माइंड की कैसे स्टडी हो रही थी उसमें परिवर्तन होता गया मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी में, और हर एक्सपर्ट ने हमें एक नया डायमेंशन दिया टू स्टडी द माइंड। बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे वॉटसन, 20th century में, 1900s में उन्होंने इसकी स्टडी शुरू की। उन्होंने कहा कि ना तो हमें कॉन्शियस माइंड की स्टडी करनी चाहिए ना ही अनकॉन्शियस की। उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया, बहुत जोर दिया इस बात पे कि हम साइंटिफिकली अगर स्टडी करने की कोशिश करें ऑफ द माइंड तो हम सिर्फ एक ही चीज स्टडी कर सकते हैं, वो है ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का व्यवहार। उनके अनुसार सिर्फ वो बिहेवियर जो सब देख सकते हैं, आउटवर्ड बिहेवियर, मेरे वो एक्शंस, मेरा वो व्यवहार, मेरी वो क्रियाएं जो मैं भी देख सकती हूँ, मतलब मैं भी अवेयर हूँ, और बाकी सब जो मुझे देखते हैं वो ये देख सकते हैं, हमें सिर्फ वो स्टडी करना चाहिए, ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। उनके अनुसार ना तो हम कॉन्शियस माइंड को देख सकते हैं ना तो अनकॉन्शियस माइंड को देख सकते हैं। अगर हमें किसी के कॉन्शियस माइंड को देखना है तो हमें उससे पूछना होगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर हमें अनकॉन्शियस माइंड को देखना है तो हमें हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता था। उनके अनुसार ये मेथड्स अनसाइंटिफिक थे,
क्योंकि साइंस हमने देखा था पिछले क्लास में, इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। क्या माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या किसी के माइंड के बारे में कोई भी रिसर्चर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकता है? नहीं, वो सिर्फ किसी के बाहरी व्यवहार को देख सकता है। तो वॉटसन ने कहा हमें सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखना चाहिए और सिर्फ उसी की स्टडी करनी चाहिए। इस विचारधारा को बिहेवियरिज्म कहा जाता है और ये 20th सेंचुरी में आया था। इसके बाद आए कार्ल रॉजर्स, उसी उसी सदी में, 20th सेंचुरी में, टूवर्ड्स द एंड, सेकेंड हाफ, बीच में, मध्यांतर से आ गए थे वो। अब उन वो सहमत नहीं थे वॉटसन की बातों से। उन्होंने कहा कि हाँ, साइकोलॉजी साइंस है और हमें बिहेवियर्स की स्टडी जरूर करनी चाहिए, लेकिन इंसान कोई रोबोट या मशीन तो नहीं है कि जिसका मन हम टोटली इग्नोर करें, टोटली कहे कि माइंड कुछ है ही नहीं, वो कुछ सोच समझ ही नहीं सकता, सिर्फ जो भी उसके अराउंड होता होगा वो उसके अनुसार व्यवहार करता होगा। रॉजर्स को लगा ऐसी विचारधारा सही नहीं है। वॉटसन के अनुसार हम सब कुछ अपने बाहरी एनवायरनमेंट से सीखते हैं और उसी अनुसार अपनी प्रक्रियाएं करते हैं जो सबको नजर आती है। लेकिन रॉजर्स के अनुसार हमारे माइंड में बहुत कुछ है, ह्यूमन माइंड बहुत वास्ट है और ह्यूमंस ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो उन्हें सही लगता है। अपने डिसीशंस खुद लेते हैं, अपनी जिंदगी के गोल सेट करते हैं, अपनी जो क्षमता है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो सके। तो रॉजर्स ने कहा कि ह्यूमन माइंड को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन माइंड में फ्री विल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइज होने की इच्छा है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। तो इंसानों की जो इच्छाएं हैं, जो उनके मोटिवेशंस है, उसे इग्नोर करते हुए हम सिर्फ बाहरी व्यवहार को नहीं देख सकते। तो ऐसा उन्होंने कहा, और उन्होंने जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस किया, जो हम ह्यूमंस की मेन बात होती है कि हम अपने निर्णय ले सकते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में, जो कि उन्होंने ऐसे एस्पेक्ट्स पे जोर दिया, तो उनके स्कूल ऑफ थॉट को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा गया है। इसके बाद जो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है साइकोलॉजी में, वो है कॉग्निटिविज्म। नियसर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के खिलाफ थे। 1950s और 60s में उन्होंने अपनी विचारधाराएं सामने रखी। ये वही टाइम है जब रॉजर्स भी आए थे, तो दोनों ही बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस से सहमत नहीं थे। नियसर का कहना था कि ये जो साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म बहुत रिडक्शनिस्ट अप्रोचेस है, बहुत ही जो ह्यूमन माइंड का इतना वास्ट स्कोप है, इतना ज्यादा क्षमता है ह्यूमन माइंड की, उसको निग्लेक्ट करते हुए या तो वो सिर्फ अनकॉन्शियस पे ध्यान दे देते हैं या तो सिर्फ बाहरी व्यवहारों को देखते हैं। उनके अनुसार, नियसर के अनुसार, माइंड के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऑर्डिनरी सोच विचार, नहीं रोजमर्रा के, लेकिन ये जो हमारे सोचने की शक्ति है, ये बहुत ही हायर कॉम्प्लिकेटेड लेवल ले लेती है, हमारे माइंड को बहुत सक्षम बनाती है टू बी एबल टू डू वेरी काइंड ऑफ एडवांस्ड काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। बहुत ही मुश्किल कार्य हम कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, बिकॉज हमारे माइंड केपेबल है ऐसी सोच विचार करने की। तो हमारे माइंड क्या क्या करने के केपेबल, आपने सुना होगा, लास्ट ईयर भी हमने कुछ प्रोसेसेस देखे हैं, मेमोरी, स्मरण शक्ति, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चुनौतियों को पार करना, ये सब करना, इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धिमत्ता, ये सब हमारा माइंड केपेबल ऑफ डूइंग। और नेचर के अनुसार हम ये सब को निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए, सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड या व्यवहार को स्टडी नहीं कर सकते, ये सब कर स्टडी करना भी जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट है आज भी साइकोलॉजी में है। कुछ साइकोलॉजिस्ट को लगता है हाँ, माइंड के अंदर हमें ये पढ़ना चाहिए, किसी को लगता है माइंड के अंदर हमें वो पढ़ना चाहिए, माइंड को इस नजरिए से देखना चाहिए, माइंड को उस नजरिए से देखना चाहिए। तो ये जो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है, वो डिबेट में रहते हैं किस के कौन सा सही है, उस पर कोई सहमति नहीं है, और कुछ
कुछ लोग कोशिश करते हैं कि दो तीन स्कूल ऑफ थॉट को कंबाइन किया जाए, जैसे आपने सुना होगा कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी, जैसे हमने लास्ट वाला देखा कॉग्निटिव और बिहेवियरिज्म देखा, आज उसको काफी बार कंबाइन किया जाता है, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी में। फिलहाल ये हिस्ट्री रही है, हमने देखा कि कैसे साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे की थियोरीज पे बिल्ड करके, एक दूसरे की थियोरीज को एडवांस करके या उससे असहमत होके हमें देते गए नए नए पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टडिंग द माइंड। ये हिस्ट्री साइकोलॉजी की बहुत जरूरी रही है, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को साइंस बनाने की कोशिश की है बाय रिफाइनिंग द टेक्निक्स एंड द पर्सपेक्टिव्स विद विच वी लुक एट द माइंड। चलिए ये क्विकली इस सेक्शन को हम रिवाइज करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे। सो लेट्स रिवाइज हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। Up till the 1870s, psychology was a branch of philosophy, particularly the ancient Greeks used to study various aspects of the mind, but they used to use non-scientific methods. They used to use a philosophical approach in studying the mind, the soul, human behavior, whatever were matters of their interest. In 1879 came Wilhelm Wundt, who believed that we should take a scientific approach in studying psychology, and for that purpose he set up a laboratory at the University of Leipzig in Germany, where he was a professor, and he started studying the mind using scientific techniques. He used a technique called structuralism, which was used by him and his student Edward Titchener. In structuralism, by the method of structuralism, they used to ask their participants, people who used to, they used to call in the laboratory, to introspect over some objects that they were given and to report what feelings, sensations, perceptions, thoughts came to their mind as they felt that object. This was their way of scientifically studying the mind, studying the components of the mind which they believe made for the structure of the mind. Then came functionalism, which was proposed by William James, who's also known as the father of American psychology. He believed that what we should be studying is human consciousness rather than studying what the mind is composed of. He believed that we should study the functions and not the structure of the mind. He was followed by Sigmund Freud. Freud believed that we should study the unconscious mind. We should not only study what we are aware of, but also those thoughts, feelings, which we are not aware of, which are beneath our surface of consciousness. He believed it is equally important to study that. He was followed by Watson, who believed that we should neither study the conscious nor the unconscious mind. He believed that we should study only outward observable behaviors if we are to establish psychology as a rigorous science. So that was his objective. And for him, only outward observable behaviors were the correct subject matter of psychology. He was followed by Carl Rogers. Watson proposed his ideas in the first half of the 20th century. Rogers proposed his ideas in the second half. Rogers said that we cannot neglect the human aspect of being human. He said that we should focus on the free will, self-determination and self-actualization that reside in a person's mind, and we should not merely focus on his outward behaviors. He was strongly against behaviorism. He also did not believe that there is anything like an unconscious mind. Similar to him, with similar thoughts, was another psychologist, Neisser. Neisser was also opposed to the behavioral and psychoanalytic schools of thought. He believed that we should look into higher mental processes which the mind is capable of performing, which includes memory, decision making, problem solving and so forth. He also advocated that we should use brain imaging techniques like MRI and PET to study the brain and to see how these higher cognitive processes are represented in the brain. That is how our neurons fire, which neural networks are dedicated to these higher mental processes. So we should use very scientifically proven techniques to study higher mental processes of the mind. He rejected both behaviorism and any existence of the unconscious mind. His influence came in 1950s and 60s. And this is the last landmark event that we have to study in the history of psychology as a scientific discipline.
Thank you for watching this video. In the next class, we look at the next section, which talks about the research methods which are used in psychology.